पाकिस्तान पाकिस्तान यात्रियों बेटा बंद करो बंद करो यात्रियों बेटा बंद करो बंद करो यात्रियों बेटा बंद करो बंद करो हिंदू डाल की किलिंग बंद करो बंद करो दहशत करनी बंद करो बंद करो दहशत करनी बंद करो बंद करो बंद करो दहशत करनी बंद करो बंद करो बंद करो पाकिस्तान पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय में लोगों की निर्मम हत्या की गई उसके अगेंस्ट हमने आज प्रोटेस्ट रखा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जो लोग ऐसी किलिंग्स कर रहे हैं, टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं, जो हिंदू यात्रियों को मार रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन दोषी लोगों को मारा जाए, पकड़ा जाए, ताकि आइंदा आए दिनों ऐसी हरकत ना हो। ये सब जो हत्याएं हो रही है पाकिस्तान की शह पे हो रही है, पाकिस्तान इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है, क्योंकि कल मोदी जी जब शपथ ले रहे थे उस वक्त ये कायराना हरकत की गई। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि ऐसे लोगों को चुन चुन के निकाला जाए। हमारी ऐसी सैकड़ों एजेंसियां काम कर रही हैं, क्या वो सो रही हैं? वो कहां पर हैं? उनको पता ही नहीं चलते, उनके नाक के नीचे आकर के ऐसी हत्याएं की जाती हैं। तो हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है कि उस पर ध्यान दिया जाए, जो टारगेट किलिंग की जा रही है हिंदुओं की, हमारे यात्रियों की, इसको बंद किया जाए। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आज हमने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। ये प्रोटेस्ट करने का यही मकसद है कि कल जिस तरह कायराना हरकत नापाक उग्रवादियों ने तारीफ ने की है, उसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। किस तरह कायराना हरकत उन्होंने किया, निहत्थे यात्रियों पे अटैक किया, गाड़ी को रोक के 6-7 बंदे आए और आतंकवादी आए, उन्होंने गोलियां चलाई बिना किसी को उकसावे के, उन्होंने यात्रियों के ऊपर अटैक किया, जिसमें हमारे 10-12 हमारे यात्री इस समय शहीद हो चुके हैं। हम अपनी केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, अब तीसरी बार उन्होंने शक्ल लिया और अब के टाइम वो बिल्कुल जो अपना वायदा है उसको पूरा करें। और आप देख रहे हो इस समय हम कुछ बॉर्डर पर रुके हुए, हम पूरी तरह शाला मशाला अपनी केंद्र सरकार के साथ है, हम अपनी बेल्ट फोर्सेज के साथ है। जब भी हमें कोई हुक्म मिलेगा हम उनके साथ जाने के लिए तैयार है, अपने खून का एक एक कतरा उनके लिए देने के लिए तैयार है। लेकिन ये कायराना हरकत अब जो कायराना हरकत उग्रवादियों ने किया, मिलिटेंट्स ने किया, टेररिस्ट ने किया, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।